नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल आपकी सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड टोटल प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखो, आरपीएफ का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो 19 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास अभी टाइम है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो तो आपका एकदम आराम से हो जाएगा। और देखो, सीबीटी जो है ग्रुप वाइज होगा, साइमल्टेनियसली होगा, मतलब कॉन्स्टेबल और एसआई का जो है साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम होते रहेंगे 6 ग्रुप्स में। ठीक है, ऐसे मतलब डेट जो है ऐसे होगा, पहले एनएफ रेलवे का होगा, उसके बाद आरपीएसएफ का होगा, उसके बाद साउदर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, ऐसे करके आपके जो है रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स होंगे 5 ग्रुप में, 6 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखो, प्रोसेस अगर हम लोग बात करें तो दिस आर द 4 प्रोसेस जो है। सबसे पहले सीबीडी होगा एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको दौड़ना पड़ेगा, लॉन्ग जंप हाई जंप होगा, फिजिकल मेजरमेंट आपकी मेजरमेंट होगी, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखो, सबसे पहले बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, उसमें देखो टोटल टाइम जो होगा आपका 90 मिनट्स होगा, मतलब 1.5 घंटा आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स हैं, तो इट्स बहुत ही अच्छा टाइम है। देखो क्यों अच्छा टाइम है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस और 50 नंबर जो है वो जीएस में ही है, तो देखो इसमें तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। ये 50 क्वेश्चंस करने में मैक्सिमम आपका 15 से 16-17 मिनट या 20 मिनट भी मान लो, तो 1 घंटा 10 मिनट आपके पास अभी भी है। 1 घंटा 10 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ एरिथमेटिक करना है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। मतलब इसमें भी देखो रीजनिंग में भी उतना टाइम नहीं लगता, मतलब मैथ्स को आप एक एक क्वेश्चन को दो दो बार आराम से कर सकते हो। तो ये 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, तो बहुत ही अच्छा है। अब देखो, ये मल्टीपल होंगे, नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है, तो एकदम आपको कोई भी गेस नहीं करना है। उसके बाद 15 लैंग्वेजेस में एग्जाम होंगे, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो इसी में। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो सेम होगा कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर हम लोग लेवल की बात करें तो कांस्टेबल की होगी 10 मैट्रिक लेवल की, एंड जो सब इंस्पेक्टर की होगी वो ग्रेजुएट लेवल की। अब आते हैं सिलेबस में। देखो, सिलेबस जीएस 50 नंबर का है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ज़्यादा देखो तो इस पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादा, पॉलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, स्टैटिक से आएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर आप अच्छे से और इन डेप्थ कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद देखो आता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स, तो डेफिनेटली आएगा ही, मेरा जो डेली करंट अफेयर्स है वो ज़रूर करो, वीकली भी प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका 35 मार्क्स 50 क्वेश्चंस जो है आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आते हैं एरिथमेटिक 35 मार्क्स में। इस एरिथमेटिक पोर्शन में दिस आर द चैप्टर्स जो है आपका है, पहला है नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। सभी चैप्टर्स अगर आप देखोगे चैनल में पूरा चैप्टर्स कवर किया हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ से देख लो। उसके बाद देखो जीआई, तो जीआई का देखो एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, सीरीज है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल और मिसिंग टर्म। तो सभी चैप्टर्स जो है किए हुए, प्लीज़ आप जाके देख लो, सभी आपका अच्छा से यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, देखो तो पेट का क्या है, तो इसमें आपको कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल दोनों का अलग अलग है। मेल के लिए 1600 मीटर रन है 5 मीटर 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो 800 मीटर रन करना है 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट एंड हाई जंप 3 फीट। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो देखो 1600 है, लेकिन टाइम आपका बढ़ जाता है 6 मिनट 30 सेकंड, लॉन्ग जंप 12 फीट रिड्यूस हो जा रहा है 2 फीट, और हाई जंप जो है 4 फीट के जगह 3 फीट 9 इंच। सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर जो है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट एंड हाई जंप 3 फीट। इसके बाद देखो मेजरमेंट टेस्ट होगी जो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल और ओबीसी के लिए 165 मेल, 157 जो है आपका फीमेल, और चेस्ट अनएक्सपैंडेड जो है 80 एंड 85 करना है, एससी के लिए, गोरखा के लिए ये। ठीक है, तो ये ओनली फॉर मेल, फीमेल के लिए दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, एक्सपैंड वाला जो है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, तो सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, और जो शॉर्टलिस्टेड होंगे जो जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है, तो और सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट जो है आइडेंटिकल होना है, आइदर इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो ये आपका टोटल है, ज़रूर देख लो। इसके बाद में एक स्ट्रैटेजी आपको ये कुछ दिन में कैसे फॉलो करना है, और बेस्ट बुक्स वो भी दे दूंगा, ज़रूर देख लीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।